बेतिया से बड़ी खबर है, जहां चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के चाचा के घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में रखा बर्तन, आभूषण, कपड़ा, कंबल व रजाई सहित 75,000 कैश व लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि गृहस्वामी ने 3 बजे नगर थाना में चोरी की शिकायत की, फिर भी चोरों ने देर रात घर में दोबारा धावा बोल दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के कोतवारी चौक की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के चचेरे भाई व गृह स्वामी प्रसून जायसवाल 24 फरवरी को घर के किसी काम को लेकर कोलकाता गए थे और जब कल घर लौटे तो देखा कि घर का सारा सामान चोरी कर लिया गया है। 2 मंजिले घर के हर कमरे से चोरों ने सामान की चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि पीतल के बर्तन सहित लगभग 1 ट्रैक्टर बर्तन की चोरी की गई है। वहीं आभूषण के अलावा घर में रखे गए कीमती सामान की भी चोरी कर ली गई है। चोरी की इस घटना से जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो गया, वहीं वार्ड नंबर 17 के लोगों में भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। चोरों के दुस्साहस का परिचय इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिन में घर के मालिक ने नगर थाना में चोरी की शिकायत दर्ज कराई तो रात में चोर फिर से आ धमके और फिर से घर के कई कमरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर में कोई सदस्य नहीं था, लिहाजा चोर लगभग से 8 दिन के अंदर घर में ही रहे और आराम से घर के सारे सामान की चोरी कर ली। बहरहाल चोरी की इस भीषण वारदात से इलाके में डर व दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरा नाम प्रसून जायसवाल है। मैं बेतिया से कलकत्ते के लिए 24 फरवरी को निकला था और कल 8 तारीख को दोपहर 3 बजे मैं बेतिया वापस आया। घर में घुसने के बाद स्थिति जो नज़र आई, समझ में आया कि ऊपर नीचे 2 तल्ले मकान है, हर एक रूम को ताला तोड़कर मेरे यहाँ प्रायः सभी सामान की चोरी कर ली गई। उसके बाद प्रथम ये मैं समझ में आया, मैं थाना में जाके जो सनहा बोलते हैं या फर्स्ट रिपोर्ट बोलते हैं वो मैंने किया और रात में अपने एक स्टाफ को बुलाया। सारा रूम में सभी सामान बिखरे हुए थे, वहाँ मैं सो नहीं पाता। अपने छोटे भाई के यहाँ मैं रात में सोने चला गया, उसको अपने स्टाफ को यहाँ सुला दिया। तो कल रात्रि में भी 1-1.5 बजे के आसपास कुछ लोग घुसे हैं एक रूम में, 2-3 अलमारी को तोड़ के उसका सामान उन्होंने चुराया है और बाकी और अलमारी नहीं खोल पाए क्योंकि वो जग गया और हम लोग भी आ गए तो वो भाग गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।